राहुरीतील लव जिहाद प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणार असल्याची माहिती बालहक्क आयोगानं दिली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या राहुरी तालुक्यातील उमरे गावातील लव जिहाद प्रकरणाच्या तपासात पोलीस यंत्रणा कुचकामी ठरली असून याबाबत लवकरच सीबीआयकडे हा तपास सोपवण्यासाठी शिफारस करणार असल्याचे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानगो यांनी म्हटलं आहे. बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सायली पालखेडकर यांच्यासह त्यांनी पीडित कुटुंबियांची भेट घेतली असून पत्रकारांना याबाबत अधिक सांगितलं. महाराष्ट्र के नगर जिले से हमको बच्चियों को एल्यूर करके कोचिंग के बहाने से धर्म परिवर्तन कराए जाने के प्रयास की शिकायतें मिल रही थी. इस मामले की जांच के लिए आज मैं दिल्ली से आया. महाराष्ट्र राज्य बाल आयोग की सदस्य सहेली पालखेड़कर जी भी यहाँ पे आई. हम दोनों ने इस मामले में बच्चियों से बात की, बच्चियों के परिजनों से बात की, जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से बात की. प्राइमरी इंक्वायरी के बाद जो ऑब्जर्वेशन हमारे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं. यहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, इनफैक्ट एसपी को भी ये नहीं पता कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर कौन है, जो कि किशोर न्याय अधिनियम का एक महत्वपूर्ण मैंडेटरी पार्ट है. जिले में एक किशोर न्याय पुलिस इकाई होगी, हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसको नियुक्त किया गया है यहाँ के एसपी को नहीं पता. यहाँ पे जांच के दौरान अभी तक बच्चों के फोन का सीडीआर नहीं निकाला गया. संबंधित सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम, जिसके माध्यम से बच्चियों को एल्यूर किया गया, उससे भी अभी तक जानकारी नहीं निकाली गई. हिना पठान नामक तथा कथित शिक्षिका, जो एक रैकेट की तरह कई सारी बच्चियों को धर्म परिवर्तन के लिए इन्फ्लुएंस कर रही थी, उसके संबंधित, उसके रिश्तेदार लड़कों से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी, उसके बारे में पूरी जानकारी भी अभी तक पुलिस जुटा नहीं पाई है. 4 दिन की पुलिस रिमांड लिए जाने की जानकारी पुलिस ने हमको दी. दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उस पुलिस रिमांड का कोई भी लाभ इस जांच के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस नहीं उठा पाई है. यहां पे किशोर न्याय अधिनियम की हालत, इम्प्लीमेंटेशन की हालत बेहद दयनीय है. हमको अपनी प्राथमिक जांच में ये संकेत मिले हैं कि एक मजबूत धर्मांतरण विरोधी कानून के अभाव में इस प्रकार की हरकतें यहाँ पे हो रही हैं. महाराष्ट्र राज्य में इसके पड़ोसी राज्यों की तरह एक मजबूत धर्मांतरण विरोधी कानून की बेहद आवश्यकता है, खास तौर पे लड़कियों की अस्मिता की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की तरह ये रैकेट चलाए जा रहे हैं. इस मामले में हमने देखा, एक महिला टीचर बनके बच्चियों को एल्यूर कर रही है. सोशल मीडिया के माध्यम से लड़के जो उस महिला के संबंधी हैं वो बच्चियों को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं. पुलिस समुचित धाराएं नहीं लगा पा रही है. ये सीधा सीधा ट्रैफिकिंग का मामला है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये ब्लैकमेलिंग का मामला है. पुलिस ने एफआईआर में समुचित धाराएं नहीं लगाई हैं. कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये जांच बेहद लचर है. आरोपियों को कन्विक्शन कराने के बजाय पुलिस का पूरा जोर इस बात पे है कि आपस में क्रॉस केस बन जाए. 7 घंटे तक 26 जुलाई को पुलिस ने इंतजार किया बड़ी घटना होने का. जब बड़ी घटना हुई तो आप देखिए, शोचनीय बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पहले बच्चियों की फरियाद नहीं सुनी गई. जो बच्चियों की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी, सुबह 12:30-11 बजे सूचना प्राप्त होने के बावजूद उनकी फरियाद नहीं सुनी गई. जब 12 बजे मस्जिद के पास भीड़ थी, तब रात को 8 बजे तक इंतजार किस बात का किया गया? क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है? राज्य सरकार को इस बारे में अपने इंटेलिजेंस यूनिट की जांच करनी चाहिए कि क्या ये उसका फेलियर है. मेरी गुजारिश होगी, मैं रिकमेंडेशन करूंगा राज्य सरकार को कि इस
जांच एजेंसी के माध्यम से जांच संपादित नहीं की जा सकती। यदि राज्य में कोई अच्छी एजेंसी है जिनके अधिकारियों को कानून का ज्ञान है, इन्वेस्टिगेशन की समझ है, उनके माध्यम से जांच कराएं, नहीं तो बेहतर होगा कि ये जांच सीबीआई को सौंप दें। धन्यवाद। त्यामुळे आता बहुचर्चित या लव जिहाद प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेल्यास या प्रकरणाचे आणखी कंगोरे समोर येणार आहेत। न्यूज रिपोर्टर गोविंद फुनगे, एसनॅन मीडिया, राहुरी।